सोनिया गांधी की विपक्षी दलों के नेताओं संग अहम बैठक, ममता उद्धव भी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुआ नक्सली हमला, ईटीबीपी के दो जवान हुए शहीद। महाराष्ट्र में मजदूरों को लेकर जा रहा टिपर ट्रक पलटा, 12 मजदूरों की दर्दनाक मौत। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा में कोरोना नियमों की उड़ी धज्जिया, मुंबई पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। दो दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर करेंगे कई बैठकें। नमस्कार, पहाड़ समाचार में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंचे। यहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया, जिसके बाद नड्डा अल्मोड़ा के भगवान शिव के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। जेपी नड्डा यहां अपनी पत्नी समेत अन्य परिजनों के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि आज इस स्थान पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है, यहाँ आकर एक नई ऊर्जा मिली है। वह भगवान शिव से भारत और भारतवासियों के लिए सुख समृद्धि की मनोकामना करते दिखाई दिए। तो अल्मोड़ा में आज जेपी नड्डा पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि हरिद्वार में दो दिवसीय दौरे पर इस वक्त बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, जहां पर आज उन्होंने जागेश्वर धाम में परिवार के साथ शिव का दर्शन किया है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पत्नी के साथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें कि यहां उन्होंने भगवान शिव का दर्शन किया, साथ ही विशेष पूजा अर्चना भी की गई है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दो दिवसीय दौरे पर हरिद्वार इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जहां पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा यहां पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर वो कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं। वहीं बैठकों से पहले उन्होंने अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम पहुंचकर भगवान के दर्शन किए हैं। वहीं केंद्रीय राज्य रक्षा मंत्री बनने के बाद पहली बार लाल कुआं पहुंचे अजय भट्ट का भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूलमाला व ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला लाल कुआं पहुंचा। इस दौरान कोतवाली के समीप एक सभा भी आयोजित की गई, जिसे संबोधित करते हुए मंत्री अजय भट्ट ने केंद्र की मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए एक छोटे से कार्यकर्ता को जिस तरह से इतना बड़ा सम्मान दिया गया, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, ये उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आगामी चुनाव में भी वह इसी प्रकार से जीत हासिल करेगी। आप जानते हैं कि हमारा जो जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है, इसी में हम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। जनता के आशीर्वाद के कारण ही आज मोदी जी ने 7 सालों में भारत का कायाकल्प कर दिया है, दोबारा इसीलिए जनता ने आशीर्वाद दिया। और हमें जो मंत्री बनाया है, हम बिना अपनी जनता के आशीर्वाद के यहाँ तक पहुँच नहीं सकते थे। पहले सांसद बनाया, तब मोदी जी की टीम में मोदी जी ने हमको सम्मिलित किया, इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पुनः हम बीच में हैं। और ये प्रार्थना जनता से है कि अपना प्रेम, अपना सद्भाव और अपना स्नेह इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रहें। तो लालकुआ से इस वक्त हम आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय राज्य मंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है। चमोली में भाजपा के शक्ति केंद्र कुलसारी में पदाधिकारियों, पार्टी पन्ना प्रमुखों और बूथ अध्यक्षों की पंचायत भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई। शक्ति केंद्र कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जनता के बीच सरकार के द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों को पहुँचाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।
शक्ति केंद्र प्रभारी डॉक्टर भगत सिंह नेगी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस एक क्षुद्र पार्टी है। आपको बता दें कि भाजपा की जनहितैषी नीति और रीति से लोग इस वक्त लाभ पा रहे हैं। कार्यकर्ताओं को आज से ही आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जी जान से जुट जाना होगा, जिससे राज्य में भाजपा की सरकार फिर से स्थापित की जा सके। वहीं प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज राजकीय संयुक्त उप जिला चिकित्सालय श्रीनगर में आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीन का लोकार्पण करने के साथ ही एक बेसिक लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर उन्होंने रवाना किया है। कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर रावत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अल्ट्रासाउंड मशीन से पेट, गले और नसों सहित अन्य बीमारियों के उपचार में मदद मिलेगी, जिससे लोगों को इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर जाना नहीं पड़ेगा। देखिए, जो हमारा श्रीनगर का 52 बेड का हॉस्पिटल है, वो उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत हॉस्पिटल बन गया है। और यहाँ पे चिकित्सालय के लिए और हमारे जितने भी मरीज यहाँ थे, पहले क्या होता था कि रेफर सेंटर टाइप का हो गया था, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, आपने देखा होगा कि हमने बिल्डिंग बहुत अच्छी बना दी है, डॉक्टर्स पूरे आ गए हैं, स्टाफ पूरा आ गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी लगने वाला है, दवाइयों की कोई कमी हमने हॉस्पिटलों में नहीं रखी है, डॉक्टर्स भी जितने यहाँ चाहिए थे वो सारे डॉक्टर्स हमने नियुक्त कर दिए हैं। और आज एक बड़ी सौगात हमारे राज्य सरकार से इस हॉस्पिटल को दी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर हंगामा मचा हुआ है। मसूरी के पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला ने उनके बयान की कड़ी निंदा करते हुए आंदोलन की धमकी दी है। आपको बता दें कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि चुनाव के समय तमाम ऐसे उम्मीदवार बरसाती मेंढक की तरह निकल आते हैं जो चोर डकैत होते हैं, ऐसे लोगों को विधानसभा में घुसने नहीं दिया जाएगा। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। वहीं ज्योत सिंह गुनसोला ने कहा कि 2022 के चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही है और जनता का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो चुका है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार बनाने जा रही है। उत्तराखंड के लिए बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है कि उत्तराखंड जैसे देवभूमि में इस तरह की भाषा और इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना एक शालीन जनप्रतिनिधि का मुखौटा नहीं है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि अहंकार बोल रहा है, और अहंकार जब बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। इसी तरह से जो है माननीय मंत्री जी भी बोल रहे हैं कि क्या उनको ये शोभा देता है कि अन्य उम्मीदवारों को जो है चोर और डकैत की संज्ञा दी जाए। मैं समझता हूँ इसके लिए वो 10 दफ़े भी माफ़ी मांगे तो कोई भी शायद। खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे मसूरी संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शुभम, जिस प्रकार से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का बयान आया था, जिसके बाद से लगातार हंगामा मचा हुआ है, वहीं अब पूर्व विधायक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? शायद हमारा शुभम से संपर्क टूट गया है। तो इस वक्त हम आपको मसूरी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर इस वक्त हंगामा मचा हुआ है। आपको बता दें कि मसूरी के पूर्व विधायक ज्योत सिंह गुनसोला ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता शुभम जुड़े हुए हैं। तो शुभम, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि जिस तरह से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है, वहीं अब मसूरी के पूर्व विधायक ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि लगभग दो तीन दिन पहले गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री एवं विधायक हैं मसूरी के, उन्होंने एक कार्यक्रम रक्षाबंधन के कार्यक्रम में मसूरी में शिरकत की थी, जिस दौरान उसमें जो कार्यक्रम में उन्होंने जो है रक्षाबंधन के कार्यक्रम में अपने बयान दिया, भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जितने भी प्रत्याशी या जो भी जनप्रतिनिधि मसूरी में
चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं चोर और डकैत की संख्या दी है उन्होंने, जो बिल्कुल ही निंदनीय है। इसमें जो हमारे पूर्व विधायक मुख्यमंत्री से हमारी इस बयान पे बातचीत थी, तो उसमें कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री और साथ साथ जो पूर्व विधायक है जोशी गुंजोला, उनका भी कहना है कि एक राजनीति के तौर पर यह बयान जो एक कैबिनेट मंत्री द्वारा दिया गया है बिल्कुल भी निंदनीय है। इस बयान का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एक एक अच्छे स्तंभ का आदमी जो एक कैबिनेट मंत्री है वो अगर ऐसे बयान दे और अपने से जो प्रतिनिधि है उनको कीड़े मकोड़ों की तरह समझे तो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। इसके जो जो आगे जो कांग्रेस जो प्रक्रिया करने जा रही है वो जल्दी इस पे पीसी और साथ ही साथ जल्दी इस पे जल्द ठोस कदम उठाने की नीतियों पे है। जी जी, तो शुभम जिस तरह से आज कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया देखने को मिली है, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जहां गणेश जोशी के बयान की बात करें तो उन्होंने सभी विपक्षियों को चोर और डकैत कहकर संबोधित किया था, ऐसे में कांग्रेस के अलावा कौन कौन सी विपक्षी पार्टियां मसूरी में हैं जिन्होंने अपनी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जाहिर की है? जी बिल्कुल, अगर बात करूं मैं सबसे पहले निर्दलीय पार्टियों के निर्दलीय कैंडिडेट है उनका भी कहना यह है कि गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री है उनके द्वारा ये बयान बिल्कुल गलत है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी जो अब एक बड़ा चेहरा बन के आ रही है कि दिल्ली के बाद जो उन्होंने अपनी कैंपेनिंग शुरू करी है उत्तराखंड के 70 विधानसभा सीटों पर लड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ के लोकल स्थानीय जो मतलब आम आदमी पार्टी जुड़े हैं और साथ ही साथ जो इनके प्रवक्ता है नवीन प्रसारी, उनका कहना भी यही है कि जिस तरीके से बयान दिया गया कैबिनेट मंत्री द्वारा बिल्कुल भी ये बयान जो है बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये बयान बिल्कुल गलत है। और खासकर बात करें लोकतंत्र की, तो भारत के लोकतंत्र में सबको जो है मौका दिया जाता है कि अपनी बात रखी जाए, अपने साथ अगर कोई चुनाव लड़ा जाए तो चुनाव लड़ा जाए, उस दौरान अगर ऐसे शब्दों और ऐसी टिप्पणों की बात की जाए तो बहुत ही निंदनीय है, जो कहीं ना कहीं कैबिनेट मंत्री के लिए गलत भी साबित हो सकती है। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद शुभम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो मसूरी से इस वक्त हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पर मंत्री गणेश जोशी के बयान पर इस वक्त घमासान छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। वहीं बद्रीनाथ धाम जा रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को पुलिस ने पांडुकेश्वर में रोक लिया। बीच में रोके जाने से नाराज पूर्व मंत्री और उनके कार्यकर्ताओं के बीच पुलिस से झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस के साथ कार्यकर्ता धक्का मुक्की करते हुए भी दिखाई दिए। पुलिस ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को रोकने के लिए बैरिकेडिंग लगा रखी थी, जिसे कार्यकर्ताओं ने हटाने की कोशिश की। मामले को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको चमोली से दिखा रहे हैं जहां पर मंत्री को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग का इस्तेमाल किया है। वहीं चमोली में लगातार हो रही बारिश को लेकर प्रशासन इस वक्त अलर्ट मोड पर आ चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर तहसील प्रशासन ने सभी बाढ़ राहत चौकियों को अलग से तैयार रहने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। आपदा प्रबंधन की टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फिलहाल नदियां अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। अलकनंदा नदी, पिंडर नदी और मंदाकिनी, ये सभी नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, जिससे नदी किनारे रहने वालों को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। तो चमोली में इस वक्त भारी बारिश के चलते प्रशासन ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस प्रकार से लगातार पहाड़ों पर बारिश हो रही है, ऐसे में आपदा प्रबंधन टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं चमोली से, जहां पर आप देख सकते हैं कि बारिश के बाद से क्या कुछ हालात चमोली में देखने को मिल रहे हैं। राहत की बात यह है कि अभी जो बड़ी नदियां हैं वो खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं, जिससे नदी के किनारे बसे हुए जो इलाके हैं वहां पर इस वक्त कोई खतरा नहीं है। बावजूद इसके प्रशासन अभी भी अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। वहीं जिला चंपावत के लोहा घाट रामलीला मैदान में आज शिक्षा प्रेक्षकों ने बैठक का आयोजन किया है। आपको बता दें कि इस बैठक में 2010 से लेकर 2017 तक अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने वाले सभी शिक्षा प्रेरकों को हटा दिया गया था। सरकार की तरह से बता दें कि सिर्फ 2000 रुपए उन्हें वेतन दिया जाता था और पढ़ाने के अलावा भी उनसे कई तरीके के काम करवाए जाते थे, जिसमें आर्थिक जनगणना, खाते खुलवाना तक शामिल था। सभी शिक्षा प्रेरक हटाए जाने के बाद से ही बेरोजगार घूम रहे हैं। उन्हें अब भी सरकार से उम्मीद है कि जल्द ही सरकार उनके हित में कोई फैसला लेगी और फिर से उनकी तैनाती की जाएगी। प्रेरक 2010 से कार्यरत है, 2017 तक हम लोगों ने कार्य किया। इसी दौरान सरकार द्वारा हमको उस कार्य से अलग कर दिया गया, इससे हमें बहुत बेरोजगारी की समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। आगे हम लोग अपने मंत्री जी से भी मिले, धामी जी से, उनने भी हमें आगे समायोजन विभिन्न विभागों में समायोजन करने के लिए आश्वासन दिया है। और हमारे क्षेत्र के विधायक पूरन सिंह फरत्याल जी ने भी हमारा साथ देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित थे। उनने भी कहा कि अपनी तरफ से हम पूरा सहयोग करेंगे, आपकी बात को हम आगे जरूर पहुंचाएंगे। जनपद चंपावत के समस्त शिक्षा प्रेरक लोहाघाट रामलीला मैदान पर एकत्रित हुए हैं।
और साथ ही साथ अगस्त 2010 से 2017 तक साक्षर भारत कार्यक्रम के तहत कार्य करते थे, जिस दौरान समस्त शिक्षा प्रेरकों को मात्र 2000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता था, जिसके बावजूद सरकार द्वारा BLO का कार्य, आर्थिक गणना, जनधन खाते खुलवाना, तमाम कार्य हमसे कराए जाते थे। और 30 सितंबर 2017 को शिक्षा प्रेरकों की सेवाएं एकाएक समाप्त करने से प्रदेश के सरोवर नगरी नैनीताल में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक श्री नंदा देवी महोत्सव 2021 के लिए श्री राम सेवक सभा ने तैयारियों के लिए उप समिति का गठन किया है। आपको बता दें कि सभा के अध्यक्ष मनोज शाह और महासचिव जगदीश बवाड़ी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह भी तय किया गया कि आगामी 1 सितम्बर को जिला प्रशासन के साथ होने वाली बैठक के बाद तैयारियों में तेजी भी लाई जाएगी। कदली वृक्ष लाने की समिति के संयोजक विमल चौधरी व भीम सिंह कार्की को बनाया गया है। उत्तराखंड क्रांति दल समेत पर्वतीय क्षेत्र और पंत नगर के तमाम लोगों ने पंत नगर को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाए जाने की मांग का विरोध करना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड क्रांति दल के जिला अध्यक्ष आनंद सिंह ने पंत नगर यूनिवर्सिटी को केंद्रीय दर्जा दिलाने की मांग से पीछे राज्यवासियों को यूनिवर्सिटी के अंदर विभिन्न विभागों में मिलने वाली नौकरियों का कोटा और प्रवेश पे उत्तराखंड के छात्र छात्राओं को मिलने वाले 75% आरक्षण को समाप्त करने की साजिश बताया है। इसलिए पंतनगर को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने का लगातार विरोध किया जा रहा है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया गया है कि वह पंतनगर कृषि यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह केंद्र से मांग कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी को स्पेशल पैकेज दिया जाए जिससे वह आगे बढ़ सके। ये विश्वविद्यालय पहाड़ का एक मुकुट है, गौरवशाली इतिहास है और इसकी स्थापना पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने बहुत सोच समझ कर इस पहाड़ी प्रदेश को इसका लाभ मिले, यहाँ के युवाओं को इसका उच्च शिक्षा में आगे बढ़े और रोजगार मिले और इसी को देखते हुए इस उत्तराखंड की तराई के क्षेत्र में इसकी स्थापना की। परंतु आज कुछ लोग इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि इसे ले जाने से हमारे क्षेत्र के युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान है, चाहे उच्च शिक्षा के क्षेत्र। और इसी के साथ पहाड़ समाचार में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।